Assalamu alaikum dear students, welcome to WS Studio. I am Waris Shahzad and today in this video we will discuss about the climate of Pakistan. Yes, geography paper number 2 और पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल जो है उसका ये सेशन जो है ये चल रहा है और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1. टुडे आवर फोकस विल बी ऑन द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. प्रीवियस जो दोनों लेसन हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल सकते हैं और मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ. लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपने हमेशा की तरह करनी है वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन जो है उसके ऊपर प्रेस करना है. सो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें अबाउट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के लिए या चैप्टर नंबर 2 के लिए एक क्वेश्चन बॉक्स है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है. इसको आपने गौर से देखना है. यूनिट नंबर 2 सारा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है. तो इसके अंदर आपने 2 पार्ट्स जो हैं वो बना लेने हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ कंपेरेटिवली लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें कम चीज़ें पूछी जा सकती हैं. बट जो सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, इसमें आपको मोस्टली एग्जामिनर चीज़ें जो है वो पूछता रहता है. तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले. और इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन जो लिस्ट आप के सामने शेयर हो रही है उसमें से बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर डे टू डे चेंज होता है, इसके लिए आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ता. आपके आप ये अपडेट्स आपके मोबाइल में भी आ रही होती हैं कि आज की वेदर की अपडेट क्या है, तो ये शो करता है कि ये डेली चेंज होता रहता है. और बट जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो है ये टाइम लेता है, ये परमानेंट सिचुएशन होती है किसी भी जगह की. और जनरली ये 32 ईयर्स जो है वो एक जैसा ही रहता है क्लाइमेट. तो इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है. देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है पाकिस्तान के जो क्लाइमेट हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनकी बात जो है वो हमने करनी है. क्लाइमेटिक जोन पाकिस्तान के 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स हैं. इसमें यूनिट नंबर 1 जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ काम आएंगी. क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो पाकिस्तान को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है आपके हाईलैंड एरियाज़ हैं. हाईलैंड एरियाज़ में उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको पेपर के परस्पेक्टिव से तैयार करनी है. एक तो आपको वहाँ का रेनफॉल का पता होना चाहिए, सेकेंडली वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग समर सीज़न एंड ड्यूरिंग विंटर सीज़न, ये पता होना चाहिए. दैट इज़ इनफ. देन उसके बाद आपके पास हाईलैंड एरियाज़ जो हैं इनका भी सेम ऐसे ही आपने उसमें से टेम्परेचर देखना है. देन उसके टेम्परेचर के बाद वहाँ का जो रेनफॉल है वो स्ट्रक्चर देखना है. हाईलैंड जोन, देन नंबर 2 जो हमारा क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो नंबर 2 जो है वो लो लैंड एरियाज़ हैं. लो लैंड एरियाज़ जो हैं ये सारे प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके पंजाब का मोस्टली एरिया सारा ही पंजाब है. देन उसके बाद आपके सिंध का कुछ पार्ट आ जाता है. तो ये जो एरियाज़ हैं ये सारे के सारे इंडस, एक्चुअली जो आपका यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा था इंडस प्लेन्स के जो इलाका है वो सारे का सारा आपका लो लैंड एरिया है. तो लो लैंड एरिया के अंदर भी आपने पेपर परस्पेक्टिव से सिर्फ 2 चीज़ें तैयार करनी है. नंबर 1 इज़ आपका जो है इसमें वहाँ यहाँ का वेदर किस तरह का है, एंड नंबर 2 आपने यहाँ का सॉरी वेदर की बात करें तो वेदर के अंदर यानी टेम्परेचर किस तरह का है, समर में टेम्परेचर कैसा होता है और विंटर जो है उनका टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होता है, और रेनफॉल जो है वो किस तरह से होती है, लाइक किस सीज़न में रहती है, कितनी रहती है. तो ये सिर्फ चीज़ें जो है ये आपने लो लैंड एरिया में याद करनी है. देन आपके पास आता है क्लाइमेटिक जोन का 3rd जो पार्ट है वो पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है. कौन सा कोस्ट है, मैंने आपको ये पहले बताई हुई है बात, 1046 किलोमीटर टोटल कोस्ट है पाकिस्तान की, जिसमें 30% वो आपका सिंध बनता है और 70% जो है ये आपका बलूचिस्तान का एरिया बनता है. तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो आपने बताना होता है किस तरह से, समर कैसी होती हैं, विंटर कैसी होती हैं और रेनफॉल जो है ये कैसी होती है. ये एग्जैक्ट स्क्रीन पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. तो इसने इस सारी चीज़ों को आपने पेपर के परस्पेक्टिव से अच्छी तरह से याद कर लेना है. नंबर 4 क्लाइमेटिक जोन जो है पाकिस्तान का वो है एरिड एरिया है, और ये मोस्टली डेजर्ट के साथ के जो इलाके होते हैं ये डेजर्ट होता है वो उसमें आता है. और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. नंबर 1 आपका यहाँ का टेम्परेचर किस तरह से है, समर में कैसे होती हैं, विंटर कैसे होती हैं, और नंबर 2 यहाँ की रेनफॉल वो कैसे होती हैं. तो ये फीचर्स जो हैं ये आपने मेमोराइज़ कर लेनी है. दो तीन पॉइंट्स में बहुत हैं, ज़्यादा याद नहीं करना, नहीं तो फिर जियो जो है आपको पता है फिर बुरी लगना शुरू हो जाती है. इतनी चीज़ें बहुत हैं. देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इस क्वेश्चन में आपने जो चीज़ याद करनी है वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान. चूँकि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, यहाँ कोस्टल भी है, यहाँ पर एरिड एरियाज़ भी हैं, डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर माउंटेन्स वाले इलाके हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता रहता है. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. इन फैक्टर्स को भी आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है.
ये भी एग्ज़ाम में सम टाइम जो है पूछे जा सकते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास आता है वो है आपका लैटिट्यूडनल इफ़ेक्ट। लैटिट्यूडनल इफ़ेक्ट में, अच्छा फैक्टर्स के लिए आपको एक बात मैं बता दूँ स्टूडेंट्स को, एक एक टिप समझ लें, इसको अच्छी तरह से याद करने का एक मेथड समझ लें। आपने हर फैक्टर का कीवर्ड याद कर लेना है। तो मैं आपको हर फैक्टर का कीवर्ड बताता जाता हूँ, स्क्रीन पे आप साथ ये देख रहे हैं, कीवर्ड भी आपने गौर से देखना है, इसको समझना भी है। तो लैटिट्यूडनल इफ़ेक्ट के अंदर जो कीवर्ड है वो आपका है इक्वेटर, यानी आप जितने इक्वेटर के क्लोज होंगे आपका टेम्परेचर हाई होगा, और जितने इक्वेटर के आप दूर होते चले जाएंगे आपका टेम्परेचर लो होगा। ये एक फैक्टर है। तो अब हम इसको पाकिस्तान पे अगर अप्लाई करें तो उसमें देखिए हमारा जो मैप है उस मैप में साउथ का इलाका जो है वो हमारे इक्वेटर के करीब है। तो साउथ का इलाका इसलिए पाकिस्तान का हमेशा वार्म होता है, हॉट होता है, और जो आपका नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो आपके इक्वेटर से दूर हैं। तो यही वजह है कि हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है ये हमेशा ठंडा रहता है, तभी तो हम मरी शरी घूमते हैं आजकल मोस्टली, वहीं पे बच्चे फिर रहे हैं। खैर, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पास फैक्टर है कॉन्टिनेंटल इफ़ेक्ट है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल इफ़ेक्ट के अंदर जो कीवर्ड है जो आपने याद करना है वो है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। यहाँ एक चीज़, एक छोटी सी टेक्निक है, ये आपको समझानी है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस या कॉन्टिनेंटल इफ़ेक्ट के समझने से पहले एक चीज़ कि आपने देखा होगा समर के अंदर जब आपकी सन रेज पड़ रही होती हैं आपकी अर्थ के ऊपर, तो ये अर्थ की जो वार्म एयर होती हैं वो राइज होती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट देती है अर्थ आपको, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम ये बात इसके साथ कंपैरिजन करें विद योर सी के साथ जहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे जब सन रेज पड़ रही होती हैं तो पानी की वजह से वो उतनी ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं होता, और वो पानी उन रेज़ को जो है अब्जॉर्व कर लेता है और उसका रिएक्शन बहुत बहुत जो है वो स्लो होता है। तो ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो बड़ा मॉडरेट सा रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये आपका एक फैक्टर है जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका चेंज होता रहता है। देन उसके बाद आपके पास नंबर थर्ड फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है आपके टेम्परेचर को, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। तो इसके अंदर की वर्ड जो है वो हाइट है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। आपकी जितना हाइट पे आप जाते चले जाएंगे द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, और जैसे ही आप हाइट से कम होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो विल बी डिक्रीज। सो इसका इफ़ेक्ट जो है वो सेम ऐसे ही है कि आपके अगर एल्टीट्यूड बड़ा है ऊंचा है तो टेम्परेचर लो है, और अगर एल्टीट्यूड लो है तो टेम्परेचर हाई है। देन उसके बाद आपके पास आता है क्लाउड कवर एंड टेम्परेचर। ये आपका नंबर फोर फैक्टर है। क्लाउड कवर और टेम्परेचर का ये चीज़ याद रखनी है कि जब क्लाउड्स आते हैं या क्लाउड्स कवर कर लेते हैं आपके स्काई को, तो उसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा जिन दिनों जो वेदर जो है वो इस तरह का हो कि आपका टेम्परेचर ओवरऑल फैला हुआ हो, तो उसमें ये होता है कि आपके टेम्परेचर में बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपका टेम्परेचर लो हो जाता है जब आपके क्लाउड्स कवर होते हैं। लेकिन अगर आपके क्लाउड्स ना हो तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। सो ये भी एक फैक्टर है जिसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। देन आपके पास लास्ट जो है वो है लैटिट्यूड एंड द एंगल ऑफ सन। तो ये बात जो है इसमें बड़ा एक बेसिक सा फार्मूला है, एंगल ऑफ सन। आपने देखना है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ सन के करीब आप आते जाएंगे तो टेम्परेचर आपका जो है वो हाई होता जाएगा, और जैसे एंगल ऑफ सन दूर होता जाएगा तो आपका टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो है वो नॉर्मली आपने देखनी है, अब इन दिनों आपके उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आप खुद भी कर सकते हैं। आपका एंगल ऑफ सन दोपहर 12 बजे जो है डे टाइम होता है, 1 PM 2 PM 3 PM तक आपने नोट करना है, आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। रीज़न क्या होगी, क्योंकि आप एंगल ऑफ सन के बिल्कुल करीब होंगे। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ सन से आपका जो डिस्टेंस है यानी सन का जो एंगल है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर लो होता है। 5 PM के बाद के टेम्परेचर में और 2 PM के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। सेम इसी तरह से 7 AM 6 AM और उसका कंपैरिजन अगर आप 12 PM के साथ करें या 1 PM के साथ करें तो उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। क्यों आता होता है ऐसा, इट जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ सन। सो ये फैक्टर्स हैं जो आपको के अफेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर को। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। सोर्सेज ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें तो इनको एक तो इनलिस्ट आप कर लिया करें हमेशा, और ये सारे सोर्सेज जो है वो आपको याद होने चाहिए कि आपके टोटल कितने सोर्सेज हैं जिनकी वजह से रेनफॉल जो है ये पाकिस्तान में एंटर होती है पाकिस्तान में। तो सोर्सेज ऑफ रेनफॉल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सारे नज़र आ रहे हैं।
इनमें से सबसे पहला जो मेन सोर्स है वो आपके पास है मॉनसून विंड्स हैं, और मॉनसून विंड्स के लिए आपको बात बता दूं, मॉनसून विंड्स जो है ये पाकिस्तान में या दो तरह से एंटर होती हैं, एक आपकी जो है समर मॉनसून होती हैं और एक आपकी विंटर मॉनसून होती है। ये मॉनसून विंड बेसिकली खुद एक सीज़न होता है, ये सीजनल विंड्स होती हैं, समर में आती हैं, विंटर में आती हैं। देन उसके बाद सेकेंड जो सोर्स है वो है वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन भी आपके मुल्क के अंदर बारिशें लेकर आता है, इसका जो मेन सोर्स है वो मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं हवाएँ, वहाँ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है इसका, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर करती हैं। जब पाकिस्तान में आती हैं तो इनका प्रेशर लो हो जाता है, और पाकिस्तान में जो हाईलैंड एरियाज़ हैं जहाँ से ये एंटर होती हैं, अफगानिस्तान के रास्ते और ईरान के रास्ते से ये पाकिस्तान में आती हैं, तो जब ये वहाँ एंटर होती हैं तो इनका प्रेशर लो होने की वजह से पाकिस्तान में इनकी बारिशें कम होती हैं। सर्दियों में मोस्टली जो है आपके जनवरी फेब दिसंबर से शुरू होकर आपके मार्च तक का जो है ये सीज़न उसका मेडिटेरेनियन समझ लो विंड्स का होता है, या इसको वेस्टर्न डिप्रेशन कहते हैं उसको होता है। हमारे जो एरियाज़ प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ इनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है, लेकिन जो हाईलैंड एरियाज़ हैं स्पेशली क्वेटा और पिशावर, बोथ सिटीज़ रिसीव हाई रेनफॉल इन वेस्टर्न डिप्रेशन। सो इसके बाद नंबर थर्ड पे आपके पास जो मेन सोर्स है वो है कन्वेंशनल करंट्स, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म भी बनते हैं। ये भी एक बड़ा मज़े का फैक्टर होता है, ये जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, होता ये है कि आपके स्पेशली समर के अंदर जब आपकी सन जो है वो सन रेज पड़ रही होती हैं अर्थ के ऊपर, और अर्थ उसका जो है रिएक्शन दे रही होती है, तो गर्म और ठंडी हवाएं ये जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो है ये कन्वेंशनल करंट्स बनते हैं, और इससे भी बारिशें जो हैं वो होती हैं, और इससे थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं। समर के थंडर स्टॉर्म मोस्टली इसी सीज़न में जो है वो आ रहे होते हैं। देन आपके पास सेकंड लास्ट जो सोर्स है वो है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल आपने बड़ा गौर से देखना है, रिलीफ रेनफॉल में आप पिक्चर जो है इसको गौर से देखेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रिलीफ रेनफॉल में आपके यहाँ होता ये है कि जितनी हाइट पर कोई जगह है और वहाँ उसको अगर कोई जब विंड्स आती हैं और उसको मॉइस्चर मिलता है तो उसमें उसको जो है रेनफॉल वो ज़्यादा वहाँ पे होती है, लेकिन उसकी जो बैक साइड होती है यानी विंडवर्ड साइड जो है, एक इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, नज़र आ भी रही हैं कि एक इसमें होती है विंडवर्ड साइड और दूसरा है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जो है ये वो वाली साइड है जो बिल्कुल फ्रंट साइड है जहाँ पे मॉइस्चर मिलता है और बारिशें जो है यहाँ पे साइड पे ज़्यादा होती है। जो इसकी बैक साइड है लीवर्ड साइड जो है ये थोड़ा ड्राई एरिया होता है, यहाँ पे सिर्फ ठंडी हवाएं तो चलती हैं बट बारिशें जो है यहाँ पे बहुत कम होती हैं। तो ये भी आपके पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ रेनफॉल है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो लास्ट सोर्स है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पाकिस्तान के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कम है, उसकी वजह ये है कि इसके जहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं वो है अरेबियन सी, और अरेबियन सी का बिल्कुल एंड वाला पार्ट पाकिस्तान के अंदर आता है। तो इस एरिया के अंदर पाकिस्तान में ओनली सम टाइम जो है ये रेनफॉल तो होती है, कराची जो है उस रिसीव करती है उस रेनफॉल को, लेकिन वो साइक्लोन जिस तरह से वो बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं उतना पाकिस्तान में उसका इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। बहरहाल ये एक सोर्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन भी। इसके बाद ये चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं यहाँ तक की चीज़ें जो हैं ये इतनी ज़्यादा पेपर में रिपीट नहीं होती, बट थोड़े थोड़े पार्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं। एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर और ऐड करते हैं, वो है कि फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल जो है वो चेंज होती रहती है। इसके लिए एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है या एग्जैक्ट जो बॉक्स है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल। तो किस चीज़ से, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती रहती हैं, किस वजह से ये चेंज होता रहता है, तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है अमाउंट ऑफ रेनफॉल। पाकिस्तान में रेनफॉल एक अमाउंट से नहीं होती, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। देन दूसरे नंबर पे टाइमिंग्स, आपने देखा होगा टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल जो है ये भी वेरी करती रहती है, बहुत सारी जगहों पर चेंज होती रहती है। देन नंबर थर्ड पे है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इक्वल नहीं है, इसकी वजह से भी जो है वो चेंज होता रहता है। और लास्ट नंबर पे है वो है वेपोट्रांसपायरेशन, ये भी मुख्तलिफ एरियाज़ में डिफरेंट जगहों पे चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपके रेनफॉल को जो है वो इफ़ेक्ट करती होती हैं। तो यहाँ तक की जितनी बातें हैं ये याद रखनी है आपने कि ये फर्स्ट पार्ट में आता है, एक और इसमें ऐड करें एंड देन ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो है टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्टॉर्म्स आते हैं, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर आपने देखना है जो मेन टाइप ऑफ स्टॉर्म है, एक तो आपके पास थंडर स्टॉर्म है वो आते हैं, देन डस्ट स्टॉर्म जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते होते हैं, उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं विच आई ऑलरेडी मेंशन के पाकिस्तान में इसका जो है वो कम ये एरिया जो है वो रिसीव करते हैं, पाकिस्तान का एरिया जो है
बट ये हैं सही। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइप्स ऑफ स्टॉर्म में आते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसकी यूनिट का, और इसमें इन चीज़ों के अंदर आपने कीवर्ड्स को माइंड में रखना है और सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये वो वाला पार्ट है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर टू। क्लाइमेट के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाए तो वो इस पार्ट को दी जा सकती है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर करती हैं ये वाले पार्ट, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने देखना है रिवर्स। रिवर्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें फ्लड का आपने टॉपिक जो है वो कवर करना है। फ्लड के लिए आपने ये देखना है कि फ्लड की रीज़न क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड्स। तो ये दो तरह की कॉज हैं, इसकी दो कॉजेज आती हैं। नंबर वन एक नेचुरल कॉज है और नंबर टू जो है वो ह्यूमन कॉज है। अगर हम नेचुरल कॉज की बात करें तो नेचुरल कॉज में दो मेन कॉजेज हैं। एक तो मेल्टिंग ऑफ स्नो है, जैसे ही स्नो मेल्ट होती है समर के अंदर तो वो पानी बन जाता है और वो पानी आपके रिवर्स में आता है। दैन दूसरे नंबर पे आपके पास है रेनफॉल, समर की रेनफॉल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बनता है और वो पानी आपके रिवर में जाता है और फिर वहाँ से फ्लड जो है वो आपको मिलता है। तो ये एक नेचुरल कॉज है। दैन उसके बाद हमारे पास आती है ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉज की बात करें तो सबसे बड़ी जो कॉज है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन द फुट हिल्स। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सरफेस है वो रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ जो है वो एक बड़ा इशू है, ये होता है होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपके फ्लड्स जो हैं वो आते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एम्बैकमेंट्स जो हैं ये इतने स्ट्रेंथन हमारी नहीं होती है, मिट्टी कच्ची मिट्टी की बनी हुई होते हैं। तो वो एम्बैकमेंट्स जो हैं वो जल्दी, जैसे ही पानी वहाँ आता है तो वो जल्दी गिर जाते हैं और उसकी वजह से फिर फ्लड आ जाता है। और हमारे यहाँ डैम का फेलियर बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा वाटर हम स्टोर नहीं कर पाते। एक राइटर है, इसने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बुक लिखी, तो वो कहता है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो 6 मंथ्स जो है ये पानी को तरसते रहते हैं और 6 मंथ्स जो हैं ये पाकिस्तान जो है ये पानी की वजह से जो है ये अजाब में रहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ समर में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में आता है, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से वो पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम स्टोर नहीं कर पाते और अरेबियन सी में चला जाता है। और फिर हमारे पास जब पानी, बारिशें नहीं हो रही होती तो हम पानी को तरसते रहते हैं। अगर हमारे पास वो एक अच्छा सिस्टम हो और उस पानी को स्टोर किया जाने वाला सिस्टम मौजूद हो तो वही पानी हम सर्दियों के अंदर, विंटर सीजन के अंदर जब हमें इरीगेशन की ज़रूरत होती है तो इन दैट टाइम वी कैन यूज़ दैट एक्स्ट्रा वाटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट और प्लानिंग की प्रॉब्लम है। सो ये आपकी कॉजेज हैं। देन उसके बाद फ्लड के जो अगला टॉपिक है वो आ सकता है कि इस फ्लड की जो है इसको हम, इस रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज द रिस्क ऑफ फ्लड। तो फ्लड को कंट्रोल करने का जो टेक्निक्स हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स जो हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। नंबर वन आपका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त लगाएं, जितने ज़्यादा आप प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ करेंगे आपके जो फ्लड आने के चांसेस हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे। देन आप क्या करें, रिवर चैनल को इनलार्ज कर दें। हमारे रिवर चैनल जो हैं यानी उनका जो बीच का जो पॉइंट है जहाँ पानी स्टोर होता है ये बहुत कम है। आप क्या करें, आप उनको इनलार्ज कर दें, आप उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें। उससे ये होगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स के अंदर भी स्टोर हो सकता है और वो फ्लड जो है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। देन उसके बाद एम्बैकमेंट्स जो हैं वो आप बिल्ड करें, और ये आप कोशिश करें कि जो एम्बैकमेंट बनाने हैं वो कंक्रीट के होने चाहिए, सीमेंटेड एम्बैकमेंट होने चाहिए। हमारे यहाँ मिट्टी के एम्बैकमेंट होते हैं बंद, जिसको हम कहते हैं वो बना लेते हैं, तो वो पानी जो है वो मिट्टी जल्दी उसको जो है वो इरोड हो जाती है और फिर फ्लड जो है वो आ जाता है। देन उसके बाद आप क्या करें कि आप एक्स्ट्रा चैनल साथ साथ बना लें रिवर्स के साथ, छोटे छोटे से और पॉइंट्स बना लें लेक्स की शेप के, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पानी जो है वो स्टोर हो सकता हो। देन आप क्या करें, आप जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, आप उनको वेदर अपडेट देते रहें कब फ्लड के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ लोग जो है कब तक रह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल इसमें ये हो सकता है कि वो इवैक्यूएशन प्लान बनाए, अगर फ्लड आ जाए तो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कैसे करना है, इसकी एक पूरी टेक्निक होनी चाहिए। इससे भी हम इस रिस्क से बच सकते हैं। वेदर अपडेट्स ये भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करके आप जो फ्लड के जो रिस्क हैं उससे आप बच सकते हैं। फिर फ्लड के बाद एक और जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या पड़ सकते हैं। तो तीन तरह के कम्युनिटीज़ हैं जो जिन पे इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्लड के। उसमें फार्मर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं और एक लोकल पर्सन यानी जिसमें आप और हम जैसे लोग शामिल होते हैं। ये एग्जैक्ट आप बॉक्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो अगर फार्मर की बात करें तो फार्मर का जो सबसे बड़ा फार्मर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा फ्लड का वो ये पड़ सकता है कि उसकी क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी। अगर फार्मर की क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी तो उस बेचारे की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो वो शख्स हो सकता है कि वो गरीब हो जाए, उसकी इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो ये फार्मर के इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर टू पे अगर हम बात करें तो लोकल रेजिडेंट की सेटलमेंट ख़राब हो सकती हैं, उनके घर तबाह हो सकते हैं, ठीक है, उनके आसपास का एरिया जो है वो तबाह हो सकता है, इंटरनेट तबाह हो सकता है, और हमारी चिट चैट, हमारे इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, हमारी पबजी, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। देन आपके पास आता है नंबर नेक्स्ट, वो है जो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ आपकी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, ये भी फ्लड का जो है रिस्क उसको फेस करते हैं। वो किस तरह से इफ़ेक्ट आ सकते हैं इनकी लाइफ के अंदर, एक तो ये है कि रोड सारे तबाह हो जाएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा सेटअप है वो सारे का सारा तबाह हो जाएगा, फ्लड उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। तो ये इसके जो है कुछ आप समझ लें डीमेरिट्स हैं। अच्छा, फ्लड के बेनिफिट्स भी होते हैं। यस, फ्लड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देता है। एग्जैक्ट बेनिफिट्स जो हैं वो आप ये देख सकते हैं, ये है उनमें सबसे पहले नंबर पे आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ये आपको न्यूट्रिएंट्स देता है, यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स रिटर्न करता है। बहुत सारी जगहों से पानी इकट्ठा होता है और वो जो लॉस हुआ होता है ज़मीन का, वो वहाँ पर आपको उसको दोबारा मिल जाता है। उसके अलावा एलोवियम बहुत है, क्योंकि ये पहाड़ों से पानी आ रहा होता है और वो वहाँ उसमें सैंड, ग्रेवल और बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उससे भी जहाँ ये जब डिपॉजिट होता है तो उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फ़िश प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। आप जब ख़ुद फ़िश प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसकी सिर्फ वही स्पीशी होगी जो आपने परचेज़ की थी, जिसको आपने खुद उसको ब्रीड किया था, तो सिर्फ वही उसको जो है वो प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन जब फ्लड आता है तो इस फ्लड का बेनिफिट ये होता है कि इसमें नेचुरली आपको ऐसी स्पीशीज़ मिलती हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता। तो फ़िश प्रोडक्शन के लिए भी जो फ्लड है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उसके अलावा ये आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको इनक्रीज़ कर देता है। आपका जो ग्राउंड वाटर, जहाँ जो पानी आप घरों में पीते हैं, जो हमारे सरफेस से नीचे पानी मौजूद है, ये पानी जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है फ्लड का। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये फ्लड के बेनिफिट्स हैं, इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। पेपर में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ अगर यूनिट टू से रिपीट होती है तो वो ये फ्लड का टॉपिक जो है ये रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर टू का, वो है ड्राउट। ड्राउट क्या होती हैं, ये इसकी कॉजेज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर टू है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ ड्राउट की बात करें तो एक परमानेंट ड्राउट है, नंबर टू सीजनल ड्राउट है, नंबर थ्री इनविजिबल ड्राउट है, नंबर फोर अनप्रेडिक्टेबल ड्राउट है। अगर हम बात करें परमानेंट ड्राउट की तो ये आपको पता है, नाम से ही जाहिर है कि ये परमानेंट जो है रहता है, जैसे कि आपके वेस्टर्न बलोचिस्तान का इलाका है या आपका थर पारकर का इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पर ड्राउट जो है ये परमानेंट ही रहता है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, वहाँ क्रॉप्स नहीं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें ये अंडरस्टोर्स ही हैं। देन उसके बाद है सीजनल ड्राउट, नंबर टू जो है सीजनल ड्राउट है, और सीजनल ड्राउट जो है ये सीज़न के अंदर आपको कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सीज़न पे जो वहाँ की क्रॉप्स हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे कि पोटवार प्लेट्यू है पूरे का पूरा, वहाँ सीजनल क्रॉप्स जो हैं होती हैं। लेकिन अगर उस सीज़न के अंदर बारिश वो ना हो जो फार्मर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे सीजनल ड्राउट आ जाएगा, जैसे कि पोटवार रीजन आपका। देन उसके बाद नंबर थर्ड पे आपके पास है इनविजिबल ड्राउट, और ये इनविजिबल जो है ये हो सकता है वाटर डेफिशिएंसी हो जाए, जो आपकी क्रॉप्स की जो यील्ड है उसको रिड्यूस कर दे, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन क्या हुआ कि इस दफ़ा बारिशें या पानी जो है वो आपको कम मिला, जिसकी वजह से आपकी वो यील्ड, जो आपकी पैदावार होनी थी, जो आउटपुट आपने लेनी थी, वो उतनी आपको रिसीव नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से, या एक बहुत बड़ी कॉज है जिसकी वजह से ड्राउट जो है वो आ सकता है, ये एक टाइप है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ड्राउट है वो है अनप्रडिक्टेबल ड्राउट है। ये इस तरह ये होता है कि बहुत लो रेनफॉल होती है, ठीक है, एक ऐसे एरिया के अंदर, ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अनप्रडिक्टेबल हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो अनप्रडिक्टेबल होने की वजह से जो है वो ड्राउट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो लॉस है वो फेस करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी हैं टाइप्स ऑफ ड्राउट। अब हम इसका सेकंड जो क्वेश्चन ड्राउट का बनता है उसकी बात करते हैं, वो है कॉजेज़ ऑफ ड्राउट। कॉजेज़ ऑफ ड्राउट जो है दो तरह की होती हैं, एक आपकी ह्यूमन समझ लें और एक आपका जो है वो नेचुरल कॉज है। अगर हम बात करें नेचुरल फैक्टर की जिसकी वजह से ड्राउट आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें सबसे पहले नेचुरल जो है वो चीज़ वो ये अनरिलायबिलिटी ऑफ द मॉनसून विंड्स। पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है, वो टोटली अनरिलायबल है, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपने कहना है
लिखना है कि आपके पास जो ड्राई एंड हॉट विंड्स हैं दैट कैन रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेंट्स. ये मॉइस्चर कॉन्टेंट्स जो है ये सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा लो कर देती हैं, जिससे जो प्रेशर है एयर का प्रेशर वो अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ये आपके पास आ सकता है. देन उसके बाद नंबर थर्ड जो है वो है ग्लोबल क्लाइमेट, ये भी चेंज होने से ड्राउट जो है वो आ सकता है. ये सारी बातें नेचुरल है. अब हम आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की तरफ, ह्यूमन जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व है ड्राउट के लिए. तो उसमें सबसे पहली चीज़ है डिफॉरेस्टेशन. जी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त काटेंगे, ये जो टिम्बर माफिया बैठा हुआ है ये दरख्त काट के उसको जब कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यही है कि आपके मुल्क के अंदर ड्राउट आती हैं. देन उसके बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. इसमें आप देख लें ये सीपेज जो होती रहती है या अनलाइंड कैनाल्स जो हैं, ये सारा प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करता है और इससे ड्राउट जो है वो पॉसिबिलिटी है वो आ सकता है. देन उसके बाद आपके मुल्क के अंदर डिस्प्यूट है अमंग प्रोविंसेस. आपका आपके यहाँ नॉर्मली एक मिथ यही है कि सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के जो प्रोविंसेस हैं वो ये समझते हैं कि पंजाब जो एक प्रोविंस है सारा पानी वहीं पे जाता है और पंजाब पानी का जो है वो मिसयूज़ करता है और मोनोपोली है उसकी. तो ये एक डिस्प्यूट है अमंग प्रोविंसेस, इसकी वजह से भी जो है आपके यहाँ ड्राउट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बाद हमारे पास इसका जो लास्ट ड्राउट का टॉपिक है वो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं. इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, एग्जैक्ट इफ़ेक्ट्स जो है ये आपने देखने हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. इसके अंदर सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो है फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर. तो फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तीन पॉइंट्स में आपने याद करना है. ज़्यादा याद नहीं करनी होती चीज़ें, थोड़ी थोड़ी याद करनी है जितने पेपर में आपने लिखनी होती हैं. सबसे पहले नंबर पे है डिज़र्टिफिकेशन की तरफ आप आते हो. ज़ाहरी सी बात है जब आपके यहाँ ये सारी चीज़ें आएंगी, वेजिटेशन लॉस होगा, टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा, तो आपके एरिया जो है वो डेजर्ट बनना शुरू हो जाएगा. और जब डेजर्ट बनेगा तो ऑब्वियसली डिज़र्टिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी. दूसरे नंबर पर है आपके जो रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स जो हैं ये ड्राइंग अप होंगे, ये पानी जो है ये सारा इनका ड्राई होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जिससे फिर आपको ये होगा, प्रॉब्लम ये बनेगा, आपकी फ़िशिंग इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाएगी, आपके अलावा आपको ख़ुद पीने का पानी नहीं मिलेगा. तीसरे नंबर पे जो है वो आपका वाटर टेबल जो है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. और अगर वाटर टेबल ड्रॉप हो जाना शुरू हो गया तो भी आपकी प्लांटेशन रुक जाएगी, आपकी आपका जो है आपका ओवरऑल सिस्टम जो, चूँकि हम सारी चीज़ें पानी का यूज़ होता है हर चीज़ में, तो पानी नहीं मिलेगा. वाटर टेबल जितना लो होगा पानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आपके मुल्क के अंदर, और आप फिर डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे. तो ये सारे के सारे जो हैं ये फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर इसके इफेक्ट हैं. अब हम डिस्कस करते हैं वो फैक्ट जो आपके ह्यूमन इन्वायरमेंट को करते हैं. उसमें सबसे पहले पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट होती है. पॉपुलेशन किस तरह से इफेक्ट हो सकती है, उसमें अगर ड्राउट होगा, ड्राउट होने से आपको क्रॉप्स नहीं मिलेंगी. अगर क्रॉप्स नहीं मिलेंगी तो हमें खाने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी. अगर हम खाने के बगैर रहेंगे तो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है, और उस हेल्थ से फिर ये होगा कि लॉस ऑफ लाइव्स होंगे, इंसान मरना शुरू हो जाएंगे. देन उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर जो दूसरा इफेक्ट पड़ सकता है वो ये पड़ सकता है कि हम माइग्रेशन कर जाएंगे, हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल होगा, सेटलमेंट ख़राब हो सकती है. जहाँ हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो एरिया छोड़कर हमें दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा, हम अपने एनिमल्स लेके मूव करना पड़ जाएगा, हमें अपना जो है पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाएगा. दूसरी जगहों पे जाना शुरू होने से हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल जो है ये हमें अडॉप्ट करना पड़ जाएगा. तो ये पॉपुलेशन के इफेक्ट हैं. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकते हैं. इकोनॉमी के ऊपर ये है कि जहरी सी बात है आपका लाइफ स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, आपकी क्रॉप्स ख़त्म हो जाएंगी, जो GDP आपका चल रहा था, जिसको बेच के आपने सिस्टम चलाना था, वो GDP जो है वो आपका लॉस में जाएगा. और उसकी शॉर्टेज ऑफ फूड आपके पास हो सकता है, रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ जाएंगी और आपकी इकॉनमी जो है ये कोलैप्स कर जाएगी. तो इससे आपकी इंपोर्ट भी तबाह हो सकती हैं, इंपोर्ट आपको इंक्रीज़ करनी पड़ जाएगी, एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो सकती हैं, और अल्टीमेटली ये होगा कि आपका जो इकॉनमी है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो ये आपका यूनिट नंबर 2 है. इस यूनिट नंबर 2 के अंदर इन तरह से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ओनली इन क्वेश्चंस को फोकस करें, इन्हीं पॉइंट्स को याद करें, कीवर्ड्स को याद करें, शॉर्ट करने की कोशिश करें चीज़ों को, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप इनकी तैयारी करें. तो इंशाल्लाह आपको ये यूनिट जल्दी कवर भी हो जाएगा. और एक चीज़ याद रखनी है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, इन तीनों यूनिट से कंबाइन एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का आता है. तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने कवर करना होता है. आई होप आपको ये यूनिट जो है ये समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसमें हम यूनिट नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे. आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन के ऊपर प्रेस करना है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।